शौर्य बालवीर के पास ज्यादा समय नहीं है, कुछ कीजिए। मोहन परी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भैया गई नहीं जा रहे हमें छोड़कर, भैया गई नहीं जा रहे, हमारे साथ ही हैं। अभी उठ के मुझे कहेंगे कि विमान तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये हमारा प्लान है विलचल लड़ने के लिए। उठो बालवीर और अपनी शक्तियां इकट्ठा करो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब तक ब्रह्मांड में बुराइयों का एक भी अंश मौजूद है ना, तब तक बालवीर का अस्तित्व नहीं मिट सकता। उठो बालवीर, बालवीर जवाब दो। भैया चलिए ना, सब वेट कर रहे हैं, माँ दादाजी सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, घर चलिए भैया, आगे को नहीं। हाँ चलो 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 बालवीर, उठो उठो ना बालवीर, शौर्य जल्दी से कुछ कीजिए, हम इसे भी लोग ले चलते। नहीं मिस्टर भी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मिस्टर भी, आप सिर्फ मेरे मेंटर ही नहीं, आप रे की लाइफ लाइन है। अगर रे की कोई होने की वजह है तो वो आप है। आपने मुझे 20 साल तक अवकेंडे में जिंदा रखा मिस्टर भी, आप ही मुझे इस दुनिया में लेके आए, आपने मुझे एक फादर की तरह पाला, आपने मुझे समझाया, कभी गिरा तो संभाला, मेरी हर हार को जीत में बदला मिस्टर भी, और जीता तो मुझे हमेशा कंट्रोल में रखा ताकि मैं कुछ गलत ना करूं। मैं आपको नहीं जाने दूंगा मिस्टर भी, आप नहीं जा सकते, मैं नहीं जाने दूंगा मिस्टर भी। हमेशा तुम्हारे दिल और दिमाग में जिंदा रहूंगा, बस तुम मेरा वो मकसद मत भूलना जिसके लिए मैंने तुम्हें तैयार किया है। मेरा अधूरा सपना, दुनिया की तबाही का सपना, दोनों बालवीरों का अंत और वीरलोक का विनाश ही होगा तुम्हारा बदला। इस दुनिया में बुराई को इतना फैलाना होगा कि अच्छाई ही उसके सामने दम तोड़ दे, और तुम्हें बालवीरों की अच्छाई की नींव को इतना हिलाना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में वो रहे और उसकी बुराई के सामने खड़े होने की हिम्मत भी ना कर सके। Oh!
टीचर जी, आपने देखा है कभी बालवीर को? बालवीर से ही पूछ रहे हो कि उसने बालवीर को देखा है कि नहीं? ये कौन सी जगह है? दुखेश मनो उद्विग्न मना। कहना क्या चाहते हो ब्रो? अध्याय दूसरा, श्लोक 57वां। भगवत गीता के अनुसार जो इंसान हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखता है उसे ना दुख तोड़ पाता है और ना ही कामयाबी भटका पाती है। तो विवान, वीर तिलक के लिए तैयार हो? वीर, क्या हुआ? पतंगा। मुझे पतंगे से बहुत डर लगता है माँ। बालवीर, मेरे जीवन का वो सबसे बड़ा खुशी का दिन था जब सबसे पहले तुमने मुझे माँ कहा था। मुझे गर्व है तुम्हारी माँ बनने पर। जानती हूँ क्या अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है, पर तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे दिल में और यहाँ हमारे नजरों के सामने। जब भी अच्छाई का योद्धा वीर गति को प्राप्त होता है उसे अच्छाई का परम सम्मान मिलता है, और बालवीर से ज्यादा अधिकार इस वीर सम्मान पर किसी का नहीं हो सकता। बालवीर वीरलोक का वो तारा है जो हमेशा चमकता रहेगा। इसलिए आज तुम्हारे सम्मान में पूरा वीरलोक सितारों से जगमगा जाएगा। अलविदा, अलविदा बालवीर। मिस्टर बी का हर सपना पूरा करूंगा। इस दुनिया से बालवीर और अच्छाई के नामों निशान को मिटा दूंगा।
एंड कर दूंगा हर उस चीज का जो अच्छाई की याद दिलाएगी। पूरी दुनिया के लिए बालवीर शब्द का मतलब बदल दूंगा मैं। इतनी नफरत फैलाऊंगा उस बालवीर के नाम पर, लोग उसके नाम से प्यार नहीं बल्कि नफरत करेंगे। नफरत। माँ, दादाजी, खुशी, विवान, आप सब मेरा परिवार है। दुनिया में सबसे ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। जब सबसे मिला था तब कुछ याद नहीं था मुझे अपने बारे में, और आप सबने एक पल नहीं लगाया मुझे अपनाने में। कभी ये महसूस होने नहीं दिया माँ ने कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, खुशी और विवान का भाई नहीं हूँ। और अब जब मुझे सब कुछ याद आ गया है तो मेरे जीवन के कुछ ऐसे सिरे हैं जिन्हें जोड़ना जरूरी है, और उन्हीं हिस्सों को जोड़ने के लिए मैं आप सबसे दूर जा रहा हूँ। मुझे माफ करना माँ, आपका देबू। विवान। वो माँ। बोलो, नहीं सुनो, क्या मजाक है ये? आंटी, ये मजाक नहीं है। अरे लेकिन ऐसे कैसे जा सकता है वो? ऐसे थोड़ी ना होता है, जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए। बेटा है वो मेरा, वो ऐसे नहीं जा सकता। विवाह, तूने रोका क्यों नहीं उसे? हाँ, काश रोक पाता माँ, पर नहीं रोक पाया। मैंने उनसे बहुत कामा, रोया कि भैया प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, वापस आ जाइए, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी अपने भाई की और हमें छोड़कर चले गए। अरे तेरी नहीं सुनी तो मुझे बुला लेता, मैं रोक लेती ना उसे। माँ की बात नहीं डाल पाता वो। कहाँ गया है वो? उसका एड्रेस लाओ, हम जाकर उससे बात करेंगे और उसे वापस लेकर आएंगे। हाँ पापा जी, अगर प्यार से नहीं माना ना तो उसके भी कान खींच कर लेकर आऊंगी मैं वापस। चलिए पापा जी। एड्रेस नहीं दिया है उसने आंटी। क्या ऐसे कैसे देवू भैया हमें छोड़ के जा सकते हैं? दादाजी उन्हें कॉल लगाइए। मैं अभी फोन करता हूँ। उसका फोन नहीं लग रहा है। हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो भगवान? आपने भेजा था ना उसे हमारे पास, और अब हम जब हमारे दिल में उसकी एक जगह बन गई है, आपने छीन लिया उसे हमसे। मुझे खुशी है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, पर पुराने रिश्तों के लिए नए रिश्ते तोड़ देता है क्या कोई? ऐसे ही छोड़ देता है कि अपनी माँ, अपने भाई और बहन को? आपको कुछ करना पड़ेगा भगवान, कुछ करना पड़ेगा आपको। मुझे आप पर बहुत विश्वास है, और अब आपको खरा उतरना पड़ेगा इस विश्वास पे। वापस देना होगा मेरा बेटा मुझे, मुझे मेरा बेटा चाहिए भगवान, मुझे मेरा बेटा चाहिए, लौटाना होगा मुझे मेरा बेटा चाहिए, लौटाना होगा। माँ, अगर उसे जाना ही था
तो एक आखिरी बार हमसे मिलकर तो जाता, क्या इतना भी अधिकार नहीं था हमारा उस पर? बोलो, एक आखिरी बार अपने बेटे को देख सके क्या? इतना भी नहीं जा सकती माँ? हाँ, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, वापस चाहिए मुझे मेरा बेटा। लिख दिया कि प्यार करता है हमसे और बस जिम्मेदारी पूरी हो गई बेटे की। अब देखना, जब वापस आएगा ना तो कभी बात नहीं करूंगी उससे, उसकी पसंद का हलवा बनाऊंगी पर खिलाऊंगी नहीं उसे। और मैं भी रक्षाबंधन पे उन्हें राखी नहीं बांधूंगी। हाय विश्मा, कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, भैया फिर से वापस आ जाए। आप उनसे रोटे और भैया आपको मनाए, आप हलवा बनाए उनके लिए, लेकिन मुझे दे दे और फिर मैं उन्हें चिढ़ाऊं। भैया वापस आ जाइए प्लीज भैया। सब भी यही चाहते हैं विवान, लेकिन अब शायद कभी मैं उसे वो हेलो नहीं कह पाऊंगी। दिल से बुलाया देबू आया। देखा, मैं वापस आ गया हूं, सब लोग मुस्कुराओ। सोचा नहीं होगा ना कि मैं ऐसे वापस आ जाऊंगा। अरे मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन मैं वापस आ गया हूं। विश्वास नहीं हो रहा है, चिट्ठी काट के देख लो। हाँ, आउच। हाँ, अरे माँ, माँ कहाँ जा रहे हो? माँ क्या हुआ? माँ अरे मुझसे बात तो करो, देखो तो सही। माँ विवान, तुमने माँ पे जादू किया है क्या? मतलब एक दिन में इंतजार नहीं किया, माँ की सारी याददाश्त मिटा दी। अब मुझे माँ को कितना समझाना पड़ेगा। तुम भी ना विवान, और अनन्या तुम समझा नहीं सकती विवान को, इतना स्मार्ट बनी घूमती फिरती हो। क्या विवान, तू मजाक कर रहा है? अब तो मुझ पे जादू करेगा। देखा अनन्या, अब विवान मुझ पे जादू कर रहा है। कितने बार बोला है मैंने इसे कि ये छोटा और मैं बड़ा, फिर भी मानता ही नहीं है। विवान अब बहुत हुआ तुम्हारा मजाक। हाँ, अरे ये मुझे देख नहीं पा रहा है क्या? और ना ही मेरी आवाज सुन पा रहा है, ये क्या हो रहा है?